मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? जल्दी जल्दी से आइए। अब आज देखो, अंकित आ ही गया तो आप लोग आ जाते, अच्छा होता। चलो कोई नहीं, कल से आ जाना। जल्दी से आइए, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम शुरू करने जा रहे हैं ईओक्यू के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। जो हमने कल नहीं किए थे, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम आज शुरू करने जा रहे हैं। जल्दी से आइए, पेज नंबर 57 पे, इलस्ट्रेशन नंबर 2.1। तो सर, जब आप इससे पढ़ाओगे तो हम कैसे पढ़ेंगे वहां पे? तो नहीं मैं, हाँ नहीं तो फिर मैंने कहा था ना, चुपचाप धीरे धीरे बैठ जाओ ना। तुम बैठ ही नहीं पाए, तुम कह रहे हो कि जी हम बैठ ही नहीं सकते चुपचाप। चलो कल आएंगे ना सर, कल हाँ कल से। आओ। अ रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चरर परचेजेस 1600 यूनिट्स ऑफ अ सर्टेन कंपोनेंट। तो मतलब ए कितना हो गया? ए हो गया हमारा 1600। द ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट इज ओ, कितना है हमारा? 100 रुपीज पर ऑर्डर। एंड सी कितना है? 1 यूनिट फॉर अ ईयर, ₹8 पर यूनिट पर ईयर। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं? आगे चलते हैं। अब हमें ईओक्यू निकालना है। सबसे पहले तो ईओक्यू निकालना है। चलिए आइए ईओक्यू निकालते हैं। ईओक्यू का फॉर्मूला होता है 2AO अपॉन सी का अंडर रूट। ये हो गया हमारा 2 × 1600 × 100 अपॉन 8 का अंडर रूट। तो ये आ गया 200 यूनिट्स। तो हमारा इसका मतलब ईओक्यू आ गया है 200 यूनिट्स। वो बोल रहे हैं कि कितने ऑर्डर प्लेस करोगे, तो देखिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकल जाएगा। टोटल कितना है? 1600। तो 8 ऑर्डर्स। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं कुणाल? अंकित सर, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकाला ये? सर, सर, 200 यूनिट का ऑर्डर एक बारी में देते हो, टोटल 1600 यूनिट्स मंगवाने हैं साल में, तो कैसे निकालोगे, कितने ऑर्डर्स दोगे? ये जो क्वेश्चन में दे रखा है एनुअल यूसेज 1600, उसका क्या है? एनुअल यूसेज 1600 यूनिट, यही तो है डिमांड, ए एनुअल डिमांड। सर, ये जो आपने कैरिंग कॉस्ट रखी है 8 रुपीज पर यूनिट पर ईयर, कहाँ पे लिखा हुआ है? एक सेकेंड। हाँ जी, क्या कह रहे कुणाल? सर, मैं कह रहा हूँ सर, कैरिंग कॉस्ट जो है वो 8 रुपीज हाँ, पर यूनिट है, तो पर ईयर कहाँ पे लिखा है? कहाँ लिखा है? यस सर, लिखा तो है कैरिंग कॉस्ट फॉर 1 यूनिट इज फॉर एन ईयर इज ₹8। या ये बेटा बंद कर दे, इसको बंद कर। ठीक है सर, ठीक है। चलिए अब आइए थर्ड पार्ट। क्या कह रहा है कि टाइम इंटरवल बिटवीन ऑर्डर्स, कितने टाइम में हम अपने ऑर्डर्स देंगे? एक बात बताओ, हमें टोटल साल में 8 ऑर्डर्स देने हैं, हमें टोटल साल में 8 ऑर्डर्स दे रहे हैं, तो हम डेज में भी निकाल सकते हैं, 365 डेज, या फिर 52 वीक्स, या फिर 12 मंथ्स डिवाइड बाय 8। तो हमारा कितना आ जाएगा? तो अगर आप डेज में निकाल रहे हो तो आ जाएगा हर 45 दिन में, हम हर 46 दिन में एक ऑर्डर देंगे। अगर आप वीक्स में निकाल रहे हो तो आ जाएगा हर 6.5 वीक्स के बाद देंगे, और अगर आप मंथ्स में निकाल दे तो आ जाएगा हर 1.5 मंथ के बाद हम एक ऑर्डर देंगे। सर ये क्या क्या ये नहीं समझ आया। यार समझ तू, बहुत ही इजी है। वो कह रहे टाइम इंटरवल कितना लगेगा बिटवीन 2 ऑर्डर्स। ठीक है, तो अगर हम डेज की बात करें, अगर हम डेज में निकालते हैं तो अगर हमें साल में 8 ऑर्डर देने हैं और एक साल में 365 डेज होते हैं, तो कितने दिनों के बाद एक ऑर्डर दोगे बता कुणाल?
मतलब टाइम इंटरवल मतलब होगा कि एक ऑर्डर और दूसरे के बीच में कितना टाइम डिफरेंस, कितना फर्क होगा। अच्छा ठीक है सर, तो ये कोई फॉर्मूला है ये यार एक बात बताओ, कभी कभी तुम ऐसी बात पूछ लेते हो, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। एक बात बता, सिंपल पूछ रहा हूँ मैं, जैसे कि एक दो ऑर्डर के बीच में कितना टाइम लगेगा, साल में 8 ऑर्डर देने हैं, साल में कितने दिन होते हैं। हाँ ठीक है सर, ठीक है ठीक है। तो ये कोई फॉर्मूला थोड़ी ना होता है, हर चीज को फॉर्मूला थोड़ी ना, रटना थोड़ी ना होता है हर चीज को। समझ में आया? टैबुलेट भी तो करना है। हाँ? इसमें लिखा भी तो है टैबुलेट योर रिजल्ट्स। टैबुलेट योर रिजल्ट्स का कुछ मतलब नहीं है, टैबुलेट को छोड़ दो, कुछ नहीं। तो इसने ये जो टेबल बना रखी है किस काम की है? इसमें जरूरत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चंस में बनाएंगे, इसमें जरूरत नहीं है। ये टेबल बनानी पड़ती है सर? नहीं बनाएगी, अभी बनाएगी, इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है इसकी। नहीं नहीं वैसे नॉर्मली मतलब हां बनवाए, अभी बनवाऊंगा यार, आज ही बनवाऊंगा, अभी बनवाऊंगा। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। सर नेक्स्ट क्लास से सर लैपटॉप से लेना सर, आप इंस्टीट्यूट से लैपटॉप से लू सर, उससे आवाज ज्यादा जाएगी ना फिर। नहीं ज्यादा जाएगी तुम्हारी शोर की? नहीं नहीं अरे सर फोन से ज्यादा आवाज नहीं जाती होगी ना इसीलिए। फोन से इसलिए लेता हूँ ना, लैपटॉप से ले सकता हूँ, फिर वेबकैम लेना पड़ेगा एक बार। चलो देखते हैं। G Limited produces a product which has a monthly demand of 4000. देखो अगर monthly demand 4000 है, तो annual demand कितनी हो गई? 8. ओहो नहीं 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 मैंने गलत लिख दी, ये तो finish good की है, ये फिनिश गुड की है, ठीक है। और इसमें एक कंपोनेंट लगता है एक्स, एक कंपोनेंट लगता है एक्स, और क्या रेशो है? एक फॉर एवरी फिनिश प्रोडक्ट वहां, तो 1:1 का ही रेशो है। तो इसका मतलब एक्स की कितनी एनुअल डिमांड होगी, ये भी 48,000 यूनिट्स ही होगी। तो हमें x का ही तो देखना होता है ना, क्योंकि रॉ मटेरियल, हमें x का ही देखना होता है। हाँ जी, x की यूनिट प्राइस है, यूनिट कॉस्ट है 20 रुपीस, ऑर्डरिंग कॉस्ट है ₹120 पर ऑर्डर, ठीक है। और हमारा जो c है वो है 10% पर एनम, तो ये 10% किसका हो जाएगा? इसका हो जाएगा ये पर 10%, तो ₹2 पर एनम, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? सबसे पहले तो हमें ईओक्यू निकालना है, तो आइए ईओक्यू निकालते हैं। सर ये हमेशा परसेंटेज हमारे पर यूनिट वाले का ही होगा ना? हमेशा हमेशा तो ये आ गया 2400 यूनिट्स। यहां तक हो गया? पहले देखिए जल्दी से यहां तक हो गया। अब हम इस 2400 यूनिट्स पर टोटल कॉस्ट निकालते हैं।
यहां तक समझ में आया बच्चों? जल्दी से बताइए, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? हाँ जी बच्चों, सबको समझ में आ गया यहां तक? आर्यन, निमेश? यस सर। अब देखो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने बोला है, हम सोच रहे हैं कि हम 2400 यूनिट्स का ऑर्डर दे देंगे एक बारी में, क्योंकि हमारा ईओ की 2400 आया है और ईओ की मतलब ऑर्डरिंग क्वांटिटी, तो हम कह रहे हैं कि हम तो 2400 का ऑर्डर देंगे। लेकिन सेकंड पार्ट में पढ़ो कि वो कह रहे हैं कि सप्लायर कह रहे हैं कि मैं 4000 से कम का ऑर्डर लूंगा ही नहीं, मैं तो 4000 का ऑर्डर लूंगा एक बारी में, तो व्हाट विल बी द एक्स्ट्रा कॉस्ट द कंपनी हैज टू इनकर। तो अगर हम ये मान ले कि 4000 का ही ऑर्डर हम दे सकते हैं, हम 2400 का दे ही नहीं सकते, तो हमारी टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी? अगर हम कह दें कि हम 4000 का ही ऑर्डर दे सकते हैं एक बारी में, हम उससे कम दे ही नहीं सकते ऑर्डर, तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 4000 का निकाल के इनका डिफरेंस निकाल देंगे फिर। हाँ, तो EOQ जहां जहां EOQ 2400 डाला है वहां पे 4000 डाल दीजिए। तो वैसे में इसको यूनिटरी मेथड से नहीं कर सकते? यार तेरी आवाज सबसे कम आती है, आवाज तेरी आवाज को धीरे आती है, सबकी तो तेज आती है, जल्दी तेज बोल थोड़ा। सर आ रही है आवाज? आ रही है अब, थोड़ी बड़ी बोल। अच्छा सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हम यूनिटरी मेथड से नहीं निकाल सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते सर, यूनिटरी मेथड से बिल्कुल भी नहीं कर सकते सर, ये बिल्कुल ही फॉर्मूला रिडंडेंट हो जाएगा अगर आपने यूनिटरी मेथड से कर दिया। ये यूनिटरी मेथड से थोड़ी है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है। यहाँ पे 4000 हो जाएगा ये, सर ये जो लाइन लिखी है मतलब कि मिनिमम स्लॉट साइज, यानी कि मिनिमम ऑर्डर हम सिर्फ 4000 का दे सकते हैं। वो कह रहा है कि मैं मिनिमम 4000 से कम का ऑर्डर ही नहीं लूंगा। और हमारा जो ईओक्यू आया था वो 2400, वो 2400 था। अच्छा, तो वो 1600 की कॉस्ट निकालने में कितनी एक्स्ट्रा लगेगी? 1600 की निकालने, हाँ, बेसिकली अगर हम 1600 यूनिट्स का ज्यादा ऑर्डर दे रहे हैं तो कितनी कॉस्ट एक्स्ट्रा लगेगी? ठीक है, अब बताइए डिफरेंस कितना है, एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी हो गई, पहले कितनी थी? ₹640 की हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट लग गई। देखिए जरा, समझ में आया? हाँ जी बच्चे, समझ में आ गया? Yes, sir. थर्ड पार्ट देखिए, वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट द कंपनी हैज टू इनकर। तो अब मेरे पास दो ऑर्डर क्वांटिटीज है, देखो मेरे पास दो ऑर्डर की क्वांटिटीज है, कैरिंग व्हेन ऑर्डरिंग साइज इज, व्हेन ऑर्डर इज ऑफ 2400 यूनिट्स एंड when order is of 4000 units. तो हमारी carrying cost दोनों की निकाल दी हमने, कितनी कितनी आई थी, एक की तो आई थी 2400 और दूसरी की आई थी 4000।
ये कोइंसिडेंटली सेम आ गया, कंफ्यूज मत होना. तो ऑब्वियसली मिनिमम कैरिंग कॉस्ट कितनी हो गई हमारी 2400 कॉस्ट रुपीज. समझ आया बच्चों? सर तो जो हमारी ये हमने रुपीज 2 निकाली थी वो कैरिंग कॉस्ट नहीं थी, वो पर यूनिट थी. जो हमने ये कैरिंग कॉस्ट स्टार्टिंग में ईओक्यू निकालने के लिए वो 2 रुपीज आई थी. हाँ. वो क्या थी सर फिर? वो तो पर यूनिट थी ना, पर यूनिट. अच्छा, ये तो हम वो कह रहे कि हम ऑर्डर तो 2400 का ही देंगे तो हमें कितनी हाँ. कैरिंग कॉस्ट पड़ेगी साल में, तो वो हमारे को 2400 रुपए जो हमारी इससे निकले, इससे निकले मतलब 50% की कैरिंग कॉस्ट जो निकलेगी. अच्छा, मतलब वो ईओक्यू निकालने वाली जो कैरिंग कॉस्ट होती है उसका कोई रेलेवेंस नहीं है ना इसमें. तो पर यूनिट होती है ना, मतलब एक यूनिट की कैरिंग कॉस्ट है, एक यूनिट की एक साल की. यहाँ तक समझ में आया बच्चों? अब आप आइए 2.4 पे आइए बच्चों. 2.4 योर फैक्ट्री, इसको ना इंपॉर्टेंट मार्क करो. एक मिनट, इसको हाँ इंपॉर्टेंट मार्क करिए. तो मैं इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा ऐसे, ठीक है ना. आइए, योर फैक्ट्री इज buys and uses a component for production at 10 rupees per unit. ठीक है, तो हमारा यूनिट कॉस्ट कितनी हो गई? रुपीज 10 पर यूनिट. एनुअल रिक्वायरमेंट इज 20,000 यूनिट्स. कैरिंग कॉस्ट इज 10% पर एनम. अभी देखिए 10% पर एनम है तो 10 रुपीज का ही हो जाएगा. सर 1 रुपये होगा ना? हाँ 1 रुपीज पर क्या 10%? अच्छा हाँ, नहीं तो सही तो है, 1 रुपीज तो होगा. नहीं आप 10 बोल रहे थे ना इसीलिए. 10 रुपीज का होगा ना, 10 रुपीज का ये बोल. हाँ मतलब 10 रुपीज का 10%. हाँ ये बोलो. हाँ आगे ऑर्डरिंग कॉस्ट है 400 पर ऑर्डर. परचेज मैनेजर कह रहे हैं कि ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत हाई है तो एक ही ऑर्डर देना चाहिए. और वो कह रहे हैं कि अगर हम एक ही ऑर्डर देंगे 20,000 यूनिट्स का साल में तो हमें 3% डिस्काउंट भी मिल सकता है. ठीक है, तो अब हमें बताना है कि क्या हमें एक ही ऑर्डर देना चाहिए या हमें जैसा हम चल रहे हैं, मतलब जैसे हमें EOQ के थ्रू करना चाहिए. तो सबसे पहले तो हम देखते हैं EOQ के थ्रू हमारी कितनी कॉस्ट पड़ेगी. सर मतलब पहले EOQ निकाल के उतने यूनिट्स का करेंगे, उतने यूनिट्स की कॉस्ट निकाल लेंगे वो जैसे किया. फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसका 20,000 ले लेंगे, उससे भी कॉस्ट निकाल लेंगे. जैसे पहले करा था दोनों का निकाल के, एक EOQ का और एक 40,000 का. हाँ जैसे वो किया था 4,000 वाला, बिल्कुल वैसे का निकाल के. ठीक है, हाँ जी बेटा अंकित. फिर मैं कह रहा हूँ हम कंपेयर कैसे कर पा रहे, बिकॉज़ ये 4,000 यूनिट्स की कॉस्ट आएगी और जो वो वाला होगा वो 20,000 की आएगी. क्या कह रहे हो? फिर मैं ये कह रहा हूँ कि हम कंपेयर कैसे कर रहे हैं, मतलब कॉस्ट, बिकॉज़ ये वाली जो कॉस्ट है ये 4,000 यूनिट्स की है टोटल कॉस्ट. किसने बोला है? EOQ निकालने का तो हम टोटल कॉस्ट यार कल भी इसी पे इतनी बड़ी डिस्कशन कर दी, फिर तो आज मेरे से वही सवाल पूछ रहा है. ये 4,000 की कॉस्ट थोड़ी ना, ये पूरे साल की कॉस्ट है. 4,000 के ऑर्डर्स दे दे के जितना हमने पूरे साल में 20,000 यूनिट्स मंगवाए ये उसकी तो कॉस्ट है. अच्छा, कल ही तो डिस्कशन की थी हमने इस पे इतनी बड़ी. ठीक है सर, ठीक है. ये तो EOQ निकालने के बाद टोटल कॉस्ट फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट पूरे साल की. एक बात बता, हमने ऑर्डरिंग कॉस्ट क्यों निकाली पूरे साल की, हमने यूनिट परचेज कॉस्ट क्यों निकाली पूरे साल की, और कैरिंग कॉस्ट का तो तुम्हें समझा ही दिया था कि वो तो इतनी ही रहती है, कांस्टेंट ही रहती है. ठीक है, ठीक है, याद करना कल की तो थी डिस्कशन.
टू इंटू तो हो गया हमारा 20,000 इंटू 10 प्लस 20,000 डिवाइड बाय 4,000 इंटू 400 प्लस 4,000 डिवाइड बाय 2 इंटू 1, ये आ जाएगी हमारी 2 लैक्स प्लस 2,000 प्लस 2,000 ये आ गई 2,04,000। अब वो क्या कह रहे हैं देखते हैं, यहां तक हो गया सबका? अब वो कह रहे हैं कि सर 2 मिनट सर, एक बार पीछे करना 2 मिनट। हाँ सर, सही, जो 3% डिस्काउंट दे रहे हैं ये, जी सर, ये जो हम 3% डिस्काउंट दे रहे हैं परचेज कॉस्ट में जाएगा? हाँ, 10 रुपए का जो चीज है, अभी बता रहा हूँ, रुक जा दो मैं। सर ईओ क्यों, मतलब नॉर्मली हमारा एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है, पॉइंट्स में भी चला, पॉइंट्स में भी आ सकता है, तो उसको एक नंबर आगे कर देंगे, क्योंकि ऑर्डर कभी आप पॉइंट्स में नहीं दे सकते ना, तो मतलब वो यूनिट्स आप पॉइंट्स में नहीं मंगवा सकते, तो एक राउंड ऑफ कर दो, जैसे मान लो 4,000 ना आके 3,956 55 पॉइंट समथिंग आ जाता तो 56 कर देते। अच्छा ठीक है, ठीक है सर, हो गया। अब देखो, अब वो कह रहा है कि हम एक ऑर्डर देते हैं, अगर हम एक ही ऑर्डर देते हैं, इफ सिंगल ऑर्डर ऑफ 20,000 यूनिट्स इज मेड, द टोटल कॉस्ट वुड बी 2 into C। A कितना है? A है हमारा 20,000। अब यहां देखो, यहां फर्क आ गया, एक जो यूनिट है वो अभी हमारी यूनिट कॉस्ट है 10 रुपीज की, लेकिन 3% अगर मैं डिस्काउंट दे दूंगा इसमें तो ये कितना हो जाएगा? पॉइंट 3 का डिस्काउंट हो जाएगा, तो ये मेरी कितनी पड़ जाएगी कॉस्ट? 9.7 यूनिट्स। ये बात समझ में आई? ये 9.7 होएगा ना कि 10, प्लस 20,000 डिवाइड बाय 20,000 को ही ऑर्डर दे रहे हैं हम, इनटू कितनी थी ऑर्डरिंग कॉस्ट? ऑर्डरिंग कॉस्ट थी 400 रुपए प्लस 20,000 डिवाइड बाय 2। अब यहां पे भी एक फर्क आ गया, यहां देखो
अब हम 9.7 की ही 10% लेंगे, क्योंकि अब 9.7 हो गया तो 9.7 का ही 10% लेंगे ना। ये बात सबको समझ में आई? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज सबको समझ में आई कि नहीं आई? बताइए सर। मतलब जो ये 3% का डिस्काउंट होगा वो हमारी उस पे जाएगा, यूनिट कॉस्ट पे। हाँ, और किस पे जाएगा? जो चीज 10 रुपए की मिलती थी अब वो 9.7 पैसे की मिलेगी। नहीं, सीधा टोटल कॉस्ट पे नहीं कर सकते? नहीं, टोटल कॉस्ट पे नहीं कर सकते। और क्योंकि हमारी जो है वो यूनिट कैरिंग कॉस्ट 10% में दे रखी है, अगर ये सीधा वैल्यू दे रखी होती तो कुछ चेंज नहीं होता ना। वो तो फिर चेंज ही नहीं होता। अब देखो वो कह रहे हैं कि हमें डिस्काउंट लेना चाहिए कि नहीं। ईओक्यू से कॉस्ट आ रही है, सिंगल ऑर्डर से कॉस्ट आ रही है हमारी 204100। एक बार लास्ट पेज कर रहे हैं, एक बार पिछले। सर समझ गया, हो गया, हो गया। और ईओक्यू से कॉस्ट आ रही है 204000। तो इसका मतलब अभी भी डिस्काउंट के बाद भी हमारा ईओक्यू ही बेटर है, तो वी शुड नॉट गो विद डिस्काउंट, वी शुड नॉट गो विद सिंगल ऑर्डर इवन आफ्टर डिस्काउंट बीइंग ऑफर्ड। अगर ये कम आती डिस्काउंट वाली तो हम, ये हमारी कंक्लूजन है, तो हम उसको ले लेते। बताइए समझ आया बच्चों जी? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22.6 पे आइए। अगेन इंपॉर्टेंट मार्क करिए। एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम ऑफ 10,000 इज 10,000 यूनिट्स। Inventory carrying cost is 20% per annum and ordering cost is 40 per order. Price quoted is 4 rupees. Supplier discount देने को तैयार है 5% का अगर order 1500 से ऊपर चले जाते हैं। देखो डिस्काउंट देना चाहिए कि नहीं, पहले तो देखते हैं, पहले तो अपना ईओक्यू निकालते हैं। सी कितना हो जाएगा? चाय का 20% कितना हो जाएगा? 0.8। ये समझ में आ गया ना? तो सी कितना हो गया? चाय का 20%। देखो हमारा तो 1000 यूनिट आ गए। अब टोटल कॉस्ट निकालते हैं 1000 यूनिट्स पे।
ये आ गया 4800। यहां तक समझ में आ गया? जल्दी से लिखो सर। एक बार वो रेशो वाली चीज बता देना, कौन सी रेशो? जैसे एक जो पिछले वाले हमें हमने किया था ना, जिसमें हमें वो दे रखा था जो आपने कहा था एनुअल डिमांड प्रोडक्शन वाली दे रखी थी, फिर उससे यूनिट वाला जो किया था, सेकंड वाला था ना शायद वो। हाँ सर, इसमें दे रखा था कि फिनिश गुड की डिमांड दे रखी थी 4000 यूनिट्स पर यूनिट पर मंथ, तो फिर साल की होगी 48000। यस सर, ठीक है। और ये लिखा था कि एक फिनिश गुड बनाने में एक ही हमारा रॉ मटेरियल लगता है एक्स, तो इसका मतलब एक्स की भी 48000 हो गई। अच्छा ठीक, अगर ये लिखा होता कि एक फिनिश गुड बनाने के दो लगते हैं तो 96000 हो जाता। ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो वो कह रहे हैं कि अगर हम एक 1500 का ऑर्डर देते हैं, इफ सिंगल ऑर्डर, इफ ऑर्डर्स ऑफ 1500 यूनिट्स और अबव इज प्लेस्ड, तो देखो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं डिस्काउंट मिल जाएगा 5% का, ठीक है। तो 5% का डिस्काउंट मतलब क्या हो गया, 4 रुपए की चीज है, तो ये कितना हो जाएगा, 3.8 हो जाएगा। ऑयल क्या हो जाएगा, सी कितना हो जाएगा, ये हमारा यूनिट कॉस्ट हो गया। आइए अब करते हैं, बच्चों यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी देख लो, ये ना यहाँ पे क्या चीज हो रही है कि 10,000 को अगर हम डिवाइड करते हैं 1500 से, तो ऑर्डर आते हैं 6.66 ऑर्डर्स, सॉरी 6.66 ऑर्डर्स। तो कभी ऑर्डर्स तो पार्शियल तो हो नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऑर्डर्स को राउंड फिगर कर दिया, 7 ऑर्डर ले लिए हमने, तो ये जो है इसको हम क्या करेंगे सर, अगर ऑर्डर 6.1 होता तो भी हम 7 ही लेते ना। हाँ यार देखो, कम अगर हम 6 लेंगे तो कम हो जाएगा ना यूनिट्स, तो हमें बढ़ाना ही पड़ेगा, तो 7 करेंगे इसको, 6 तो नहीं ले सकते ना, 7 × 40 करेंगे। ये चीज समझ में आ गई, ये चीज
कुणाल समझ में आई? कुणाल? यस सर। तो ये जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मतलब जब भी पॉइंट्स में आएगा उसको बिगेस्ट नंबर से राउंड ऑफ कर देंगे। तो अब हमारा कितनी आ रही है कॉस्ट? पहले कितनी कॉस्ट आ रही थी? पहले आ रही थी 40,800। हाँ, इसमें तो बच रहे हैं पैसे, सेविंग हो रही है इसमें तो हमारी। देखिए, सही है, समझ में आ गया बच्चों? एक बार लास्ट पेज करना, प्रीवियस पेज। नेक्स्ट कर दो सर, नेक्स्ट कर दो, देख रहा था कुछ हो गया। और सर ये राउंडिंग ऑफ तो सिर्फ नंबर ऑफ ऑर्डर्स के साथ ही होगा ना? हाँ, हो गया बच्चों। अच्छा, 2.4 हो गया था हमारा, देखना 2.4। यस सर। अब आप आइए 2.7 पे आइए। पहले बहुत इजी है वैसे तो, ब्लैकस्मिथ कंपनी बाइज इन लॉट्स ऑफ 125 बॉक्सेस, मतलब वो 125 बॉक्सेस मंगवाता है, विच इज 3 मंथ्स सप्लाई। तो इसका मतलब एक कुणाल एक बात बता कि अगर हम मंगवाते हैं 125 बॉक्स, विच इज 3 मंथ्स सप्लाई, 3 महीनों का चल जाता है वो, तो एनुअल डिमांड कितनी रही होगी? सोच के बता, अगर 125 बॉक्सेस हम मंगवाते हैं जो कि 3 महीने चल जाता है, 500 कैसे निकाली? 125 इंटू 4, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, 500 बॉक्सेस। ये बात सबको समझ में आ गई? पहले बताइए आर्यन, निमेश, अंकित। यस सर। यस सर। अब आपको और ज्यादा दे रखा है, अब आपको बोला है ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखी है 250 रुपए की पर ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट दे रखी है आपको 20%, और यूनिट कॉस्ट भी दे रखी है 125 रुपए की ऑफ 125 रुपीज। तो ये कितना हो जाएगा? 25 रुपीज। अब वो दो चीजें मांग रहे हैं, एक तो वो बता बोल रहे हैं कि एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी पॉलिसी की टोटल कॉस्ट निकालो। एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी पॉलिसी क्या है? 125 का हम ऑर्डर देते हैं, आवाज नहीं आ रही, दोबारा बोलना। मैं कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं फर्स्ट पार्ट, द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी पॉलिसी। एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी पॉलिसी क्या है? 125 बॉक्सेस, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि कितना हम बचा सकते हैं अगर हम ईओक्यू से चले। तो पहले तो आप 125 बॉक्स की टोटल, पहले तो आप ईओक्यू निकाल लो,
फिर उसकी टोटल कॉस्ट निकाल लो, 125 बॉक्स की टोटल कॉस्ट निकाल लो और जल्दी से मेरे को बताइए कितने पैसे हम बचा सकते हैं। सर बाइज इन लॉट्स मतलब ये रॉ मटेरियल ही हो गया ना सीधा? हाँ हाँ ये रॉ मटेरियल है बेटा। सर हाँ जी एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी पॉलिसी होती है 125 बॉक्सेस के हिसाब से निकालेंगे ना? क्या एक मिनट क्या करेंगे हम जो एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी पॉलिसी? हाँ 125 तो जहाँ पे ईओक्यू डलता है वहाँ पे आप 125 डालें। हाँ जी जल्दी से करिए। एग्जिस्टिंग वाले में सर हमारा ईओक्यू 125 आएगा। हाँ जी 125 से निकाल लीजिए वो, तो जहाँ पे भी आपने ईओक्यू डाला वहाँ पे 125 डाल दीजिए। अच्छा मेरे को लगा पांच उसका 500 मेरे को लगा ईओक्यू आएगा। वो 500 रहेगा ही रहेगा, वो उसको चेंज मत करिए। अ कंपनी manufactures a product from a raw material which is purchased at 80 per kg. तो हमारा unit price क्या हो गया? Company incurs handling cost 370. Handling cost मतलब ordering cost? Sorry, हाँ नहीं हाँ ordering cost है क्योंकि ये freight वगैरह दे रखा है ना, तो 370 plus 380. तो ये कितनी हो गई? ये हो गई 750 पर ऑर्डर। फिर कैरिंग कॉस्ट इज 0.25 पर केजी पर मंथ है ये, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको 0.25 इंटू 12 करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 3। और भी वो कह रहे हैं हमें 12 रुपए और लगेंगे पर केजी पर एनम प्लस 12, तो टोटल कैरिंग कॉस्ट कितनी हो गई 15 पर केजी। सर पर कैरिंग कॉस्ट का क्या बोला वो? पढ़ो लाइन पढ़ो, पहले तो वो कह रहे हैं कि 0.25 पैसा पर मंथ की कैरिंग कॉस्ट है, तो वो तो हमने ईयर में मल्टीप्लाई करके निकाल दी। उसके बाद वो कह रहे हैं कि इन एडिशन कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस मतलब एक तरीके का ब्याज इंटरेस्ट ऑन द इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल इज 12 केजी पर एनम, मतलब हमें ये भी लेना पड़ेगा, हमें ये जो पैसा हमें ब्लॉक करना है वर्किंग इसमें रॉ मटेरियल्स में वो हमारे को 12 रुपए पर केजी पर एनम के हिसाब से मिलेगा। तो हमारी दोनों कैरिंग कॉस्ट को ऐड कर देंगे हम। ए है 1 लाख यूनिट्स का, लेकिन ये फिनिश गुड्स के है, ये फिनिश गुड्स के है, और एक रॉ मटेरियल से 2.5 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड निकल जाता है, तो कौन बताएगा कि एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल कैसे निकलेगी? 40,000 कैसे निकली? 1 लाख डिवाइड बाय 2.5, 1 लाख डिवाइड बाय 2.5। ये बात समझ में आ गई अंकित, निमेश, कुणाल, समझ में आई है बात? दोबारा बताना एक बार। 1 लाख यूनिट समय फिनिश गुड के बेचने हैं, एक रॉ मटेरियल से 2.5 यूनिट निकल जाता है फिनिश गुड का, तो हमें रॉ मटेरियल्स कितने चाहिए? अच्छा हाँ जी मतलब एक बार दोबारा बता दो, एक बार मैं दोबारा बताऊँ, मैं कह रहा हूँ ना 1 लाख यूनिट समय फिनिश गुड के चाहिए और एक रॉ मटेरियल से 2.5 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड निकल जाते हैं 2.5, तो हमें रॉ मटेरियल कितना चाहिए होगा 1 लाख फिनिश गुड्स बनाने के लिए? ठीक है हाँ 1 लाख बाय 2.5 वही तो क्या? सर कैरिंग कॉस्ट में 12 क्या चीज है? सर एक्स्ट्रा जो है 25 पैसे वो पर मंथ दे रखा है पर लाइन पर। नहीं नहीं वो नहीं जो एक्स्ट्रा 12 वाला वो लिखा हुआ है ना सर, द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, मतलब आप अब आपने सामान मंगवाया तो आपको पैसे चाहिए था ना, तो वो पैसा जो पड़ा आपको कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस का मतलब हुआ एक तरीके से आपको जो इंटरेस्ट इंटरेस्ट आपने दिया इस 12 रुपीज पर केजी पर एनम, तो वो भी हमारी कैरिंग कॉस्ट हो गई ना।
सर 40,000 तो केजी हो जाएगा ना, 40,000 तो केजी ए, हाँ नहीं नहीं सर ए नहीं कह रहा सर, मैं कह रहा हूँ केजी होएगा ना, यूनिट्स नहीं होगा ये। हाँ अरे यूनिट्स केजी एक ही बात होती है यार। नहीं नहीं मतलब क्योंकि यूनिट्स तो हमने डिवाइड करे। अच्छा ओके ओके आई अंडरस्टूड योर पॉइंट। हाँ नहीं नहीं केजी हो जाएगा क्योंकि इसमें यूनिट्स आ जाएंगे। हाँ कुणाल तेरे वाला डाउट से क्लियर हो गया? यस सर। चलो अब जल्दी से बताओ, वो कह रहे हैं एक तो ईओक्यू निकालो, निकाल देते हैं। फिर वो पूछ रहे कितनी फ्रीक्वेंटली ऑर्डर्स प्लेस्ड होएंगे, तो कितनी फ्रीक्वेंटली मतलब वही कितने कितने दिनों में ऑर्डर प्लेस होएंगे 365 बाय वो जो आपका ईओक्यू आएगा। और वो फिर पहले दो पार्ट करो जल्दी से, और 360 डेज लेने आपको, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 360 डेज, चलो मैं ही कराता हूं, 360 डेज लेने आपको। अब हमारे को निकालना है हाउ फ्रीक्वेंटली ऑर्डर्स आर प्लेस्ड। सॉरी पहले नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने पड़ेंगे हमें। तो हमारे कितने ऑर्डर्स हो गए? 20 ऑर्डर्स, 360 डेज, 18 डेज में ऑर्डर देने पड़ेगा। सी पार्ट पे चले। चलो एक मिनट। हाँ एक सर ये 20 ऑर्डर्स हमारे पूरे साल के हैं ना? हाँ जी 20 ऑर्डर्स पूरे साल के। ठीक है। अब वो कह रहे हैं इफ द कंपनी प्रपोजेस टू रैशन, देखो हम तो हर 18 दिन में ऑर्डर देने की सोच रहे हैं। वो कह रहे हैं इफ द कंपनी इज प्रपोजेस टू रैशनलाइज ऑर्डर्स ऑन क्वार्टरली बेसिस, व्हाट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स इज टू बी नेगोशिएटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको मार्क करिए। वो कह रहे हैं अगर हम ऑर्डर क्वार्टरली बेसिस पे दे, इफ ऑर्डर्स आर प्लेस्ड ऑन क्वार्टरली बेसिस, तो एक बात बताओ कितने ऑर्डर्स प्लेस किए जाएंगे? कितने ऑर्डर्स प्लेस किए जाएंगे क्वार्टरली बेसिस पे? एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? चार ऑर्डर्स। और फिर मेरी कितना कितना कितने कितने का ऑर्डर प्लेस किया जाएगा? 10,000 each. So 10,000 each. हाँ कैसे निकाला? Quantity of each order will be. So 40,000 divided by 4. बिल्कुल सही बोला आपने. 40,000 जो
हमें पूरे मंगवाने हैं, चार बारी में मंगवाने हैं, तो 10,000 ईच, 10,000 केजी। यहां तक बात समझ में आ गई? अब वो कह रहे हैं कि कितना हमें डिस्काउंट देना चाहिए, तो हम क्या देखेंगे, दोनों के पहले तो टोटल कॉस्ट निकाल देते हैं, ईओक्यू की भी और 10,000 की भी, फिर ऑब्वियसली 10,000 वाली की कॉस्ट ज्यादा आएगी, तो हम देखेंगे कि कितना डिस्काउंट मिलेगी, वो कॉस्ट हमारी ऑफसेट हो जाए। तो जल्दी से आप टोटल कॉस्ट निकालो, पहले ईओक्यू पे निकालते हैं, ईओक्यू कितना था, 2000 यूनिट्स, इसमें हमारा यूनिट कॉस्ट दे रखा है ना, यूनिट कॉस्ट एक यूनिट की कितनी दे रखी है, पर केजी कॉस्ट दे रखी है 80 रुपीस, 80 रुपीस। ये आ गई, अब हम निकालते हैं 10,000 यूनिट्स पे। चले भाई पीछे करना, कर दो, सर ये बताना थर्ड पार्ट में हमें एग्जैक्टली करना क्या है। सर वो कह रहे हैं कि अगर हम ऑर्डर्स जो दे रहे हैं वो क्वार्टरली बेसिस पे देना शुरू कर दे, हम तो क्या सोच रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हर 18 दिन में एक ऑर्डर देंगे, 18 दिन तो मतलब एक महीने से भी कम में, ठीक है ना। यस सर, वो कह रहे हैं कि अगर हम क्वार्टरली बेसिस पे ऑर्डर दे, मतलब चार ऑर्डर दे साल में सिर्फ, तीन महीने में हर एक ऑर्डर, ठीक है, तीन महीने में एक ऑर्डर, तो कितना, अभी बताता हूँ देखो, पहले इतना निकाल, पहले कॉस्ट निकाल, अगर हम क्वार्टरली बेसिस पे ऑर्डर देते तब तेरे को समझ आएगा। थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूं, एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी हो गई, फोर्टी एट थाउजेंड की एक्स्ट्रा कॉस्ट हो गई। अब एक बात देखो, यहां तक कर लिया सबने, कुणाल, अंकित, आर्यन, निमिष, एक आर्यन का हो गया और कुणाल का हो गया, निमिष, अंकित, आर्यन का नहीं हुआ, आर्यन जी करो,
दिन बाद, ठीक है। अब एक बात बताओ, वो कह रहे हैं कि मैं को देना तो ऑर्डर है क्वार्टरली बेसिस का ही, और मैं चाहता हूँ कि ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है ये भी ना आए। तो एक बात देखो, वो कह रहे हैं कि कितना डिस्काउंट ऑफर करे हमारा वो वेंडर कि हम क्वार्टरली बेसिस पे ऑर्डर देने को में लॉस में ना रहे। तो एक बात देखो, यहाँ पे टोटल टोटल परचेज कितने की हो रही है हमारी, टोटल परचेजिंग कितने की हो रही है, 32 लाख की, 32 लाख का सामान मंगवा रहे हम, यस और नो, यस और नो, यस सर, ठीक है। और हम कितना कितनी कॉस्ट को कम करना चाहते हैं, हम कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट को कम करना चाहते हैं, 48,000, बताइए, समझ में आई ये बात। तो हमें कितना चाहिए डिस्काउंट, एक तरीके से अगर मेरा वेंडर मुझे 1.5% का डिस्काउंट दे देगा, 1.5% का अगर मेरे को डिस्काउंट दे देगा, तो मेरी 80 रुपए की चीज कितने की पड़ेगी, 78.8। और अब मैं अगर 78.8 से टोटल कॉस्ट निकाल लूं, सर एक सेकंड बेटा, सर फिर तो वो ईओक्यू वाला ही आ जाएगा, जो क्या आ जाएगा, 32-30 ही आएगा, सेम आएगा फिर तो, सेम ही आ जाएगा ना, हाँ सेम ही आएगा। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि मिनिमम अगर वो मेरे को इतना डिस्काउंट दे देगा, मिनिमम 39, अगर वो मेरे को मिनिमम इतना डिस्काउंट दे देगा तो मैं क्वार्टरली ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ। तो मिनिमम बोला ना हमने, तो इससे ऊपर कुछ भी दे देगा तो बेनिफिट ही है मेरा, तो समझ में आई बात सबको कि नहीं आई, डाउट है सर। हाँ एक पहले चलो पूछो अंकित, पूछो फिर। जैसे अगर इसमें तो हमें कैरिंग कॉस्ट दे रखी थी, एग्जैक्टली अगर कैरिंग कॉस्ट नहीं दे रखी थी तो वो भी चेंज होती, वो भी 78.8 के हिसाब से होती। नहीं नहीं मतलब सर फिर वो 78.8 निकालते कैसे फिर हम, क्योंकि इधर तो आपने डायरेक्ट परचेज कॉस्ट ले ली क्योंकि उसमें कैरिंग कॉस्ट दे रखी है। 78.8 क्यों निकल जाएगा, 78.8 तो यार हमने 78.8 तो उसके लिए क्या किया, एक सेकंड एक सेकंड, हेलो हेलो, हाँ अंकित एक बार बता, 78.8 के लिए मैंने कैरिंग कॉस्ट का कहाँ यूज किया मैंने, नहीं यूज किया ना सर, वही मैं कह रहा हूँ इन केस अगर कैरिंग कॉस्ट भी डिपेंडेंट होती पर यूनिट कॉस्ट पे, अगर डिपेंडेंट होती भी तब भी क्या लॉस होता, देखना तब तो फिर सिर्फ तब फिर तब तो कैरिंग कॉस्ट पे ऐड करते ना टोटल परचेज में, तब परसेंटेज निकलती। यार आप नहीं, एक बात बताओ कैसे, क्यों पहले 15 से निकाल ली मैंने, नहीं सर ये कह रहा है सर जैसे कि आपकी कॉस्ट आ गई 78.8, ठीक है, वो क्या कहते हैं कैरिंग कॉस्ट लगाते हैं तो एक तरह से वो भी तो कम होता तो हमारा और कम हो जाता ना। अच्छा, तो ओके, हाँ मैं समझ रहा हूँ आपका, वो कह रहे कि ये कम हो जाता और कम हो जाता, हाँ तो हो जाता बहुत अच्छी बात है, तो हम उसके सर, लेकिन फिर लेकिन आंसर तो मैच करना पड़ेगा ना, वो बेनिफिशियली होता। अच्छा आप ये कह रहे हो कि सर ये फिर 32-30 से भी कम हो जाता, हाँ तो हो जाता कोई नहीं अच्छी बात है, तो कम भी होता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो हम परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं डिस्काउंट का उस केस में हम सर परचेज प्लस कैरिंग कॉस्ट के हिसाब से निकालते हैं ये चीज, इतना नहीं कर सकते आप, आपको सिर्फ आपको बस वो डिफरेंस देखना है, वो डिफरेंस कितना है हमें बस उसको ही देखना है, जो डिनोमिनेटर है इधर हम परचेज ले रहे हैं, परचेज ही लेना है उसमें कैरिंग कॉस्ट को नहीं ऐड करना,
है कैरिंग कॉस्ट डिपेंडेंट पर यूनिट पे डिपेंडेंट हो या नहीं भी हो परसेंटेज कम आ जाएगी ना अगर डिपेंडेंट होगी तो सर मैं वही कह रहा ना ये अगर डिपेंडेंट वाला में अगर ऐसे है अगर डिपेंडेंट वाला भी एक क्वेश्चन कराऊंगा उसमें तुम्हारा ये फॉर्मूला चल ही नहीं सकता उस पर आपको क्या करना पड़ेगा उस पर आपको अलग अलग दोनों कॉस्ट निकालनी पड़ेगी सर आप नहीं आप कहकर देखो चलो मैं इसको ऐसे चेंज कर देता हूँ तुम लोग को मैं इसको चेंज कर देता हूँ मैं तुम्हें कहता हूँ कि कैरिंग कॉस्ट तुम्हारी 20% है तुम कहकर देखो तुम्हारे कोई फर्क ही नहीं आएगा कह दो कोई फर्क नहीं आएगा तुम्हारे करके देख मैं तुम्हें कहता हूँ 20% है करके देखना एक बार उनका तुम कोई फर्क नहीं आएगा जो तुम कह रहे हो ना पॉइंट उसमें ये होएगा कि मल्टीपल ऑर्डर्स है मल्टीपल ऑर्डर्स मतलब क्या है उन्होंने बोला क्या कि अगर इतना डिस्काउंट अगर इतना लोगे तो इतना डिस्काउंट इतना लोगे तो इतना डिस्काउंट तब हमारे को दूसरा तरीका निकालना पड़ता है अगर आपको दे रखा है कि 10,000 का ऑर्डर प्लेस करना है मेरी कॉस्ट कितना डिस्काउंट मिले कि वो कॉस्ट मेरी ऑफसेट हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप करके देख रहे हो करके तो देख लेंगे बट जो आपने लास्ट क्वेश्चन कराया था हमें जिसमें कैरिंग कॉस्ट भी हम चेंज कर रहे थे जिसमें था ना सर वो हाँ ठीक है चलो ठीक तो सर ना एक बात आप ये देख समझ नहीं रहे ना यहाँ देखो एक चीज एक मिनट मैंने आपका ये निकाली सबसे पहले मैंने ये निकाला इस पे ये कॉस्ट आ गई ठीक है और मैंने ये तो निकाला 10,000 यूनिट्स पे ओरिजिनल डिस्काउंट के बिना निकाला यस सर डिस्काउंट के बिना निकाला तो मेरी ये कॉस्ट आ रही है डिस्काउंट के बिना ठीक है लेट अस अज्यूम मी 15 rupees परसेंटेज के थ्रू ही आया तो अब मेरे को तो सिर्फ यही कॉस्ट को ऑफसेट करना ना आप ये कह रहे हो हाँ ठीक है मैं आपकी बात समझ गया सर उन क्वेश्चंस पर लिखा होएगा मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ उस पर लिखा होएगा इसमें कि कैरिंग कॉस्ट विल नॉट बी इफेक्टेड बाय द डिस्काउंट पॉलिसी ये लिखा होएगा अगर ये नहीं लिखा तो हाँ तो आपकी बात सही है लेकिन ये लिखा होगा उस क्वेश्चन में दैट द कैरिंग कॉस्ट विल नॉट बी इफेक्टेड बाय द डिस्काउंट पॉलिसी ठीक है सर हाँ मैं ऐसे एक बार एक क्वेश्चन है भी इसमें उस आपका मैं अब वो समझ आ गया मुझको उसमें लिखा होगा नहीं लिखा होगा तो आपका पॉइंट रेलेवेंट है मैं दिखाऊ एक क्वेश्चन है भी इसमें अभी ढूंढ के रखूंगा बताइए इतना हो गया समझ में आया बेटा कुणाल अब समझ में आ गया सर बट डिस्काउंट वाला बता देना पॉइंट ये समझ में आ गया हाँ एक्स्ट्रा कॉस्ट समझ आ गई तो बस यही पूछ रहा हूँ कि तुमने किसी बंदे से 32 lakh का सामान खरीदना है और तू चाहता है कि 48,000 रुपए तेरे कम हो जाए तो बता कितना डिस्काउंट मांगेगा उससे अच्छा मतलब वो सिर्फ जो हमारी परचेज कॉस्ट है उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं तो डिस्काउंट तो सामान उसमें परचेज कॉस्ट में मांग सकते हैं हाँ बस ठीक है सिर्फ वेरीफाई करने के लिए दिखाया है इसके लिए इसकी भी जरूरत नहीं थी यहीं तक करना सर अलग आएगा अगर हम परसेंटेज से करेंगे तो जी हाँ अलग आएगा मैंने बता तो दिया सर इसमें लिखा होगा कि डिस्काउंट की वजह से कैरिंग कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा लिखा होगा 100% अगर डिस्काउंट की वजह से कैरिंग कॉस्ट में चेंज आएगा तो मैं अभी एक क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूँ जिसमें आपको एक और फॉर्मूला यूज करना मतलब दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ता है वो मैं करने जा रहा हूँ यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों बस सर हो गया अब तो हो गया क्या आज का रोके या एक दो क्वेश्चन आ गए नहीं नहीं सर अब नेक्स्ट में तो ठीक है कल अपने सुबह से आ रहे 10 बजे नॉर्मल टाइम पे इंस्टीट्यूट पे ना है हाँ इंस्टीट्यूट आ जाओ ओके कल मिलते हैं 10:30 बजे बाय बाय टेस्ट ओके बेटा टेक केयर सर कल इनका टेस्ट भी तो है कल टेस्ट भी तो है अच्छा आप पहले आ जाना फिर 11 बजे तक शुरू कर देगी क्लास तुम आ जाना टेस्ट यहीं पे कर देंगे 10:30 होगा टेस्ट है 10:30 होगा टेस्ट नहीं होएगा नहीं नहीं 10:30 होगा 10:30 हां तो आ जाना है 10:30